अस्सलाम वालेकुम। आज आयशा के किचन में आप देखेंगे मैं बना रही हूँ मूंग की पठोरी। इसके लिए मैंने मूंग को भिगा दिए हैं और अब हम इस भीगे हुए मूंग को पीस लेंगे। मूंग को इतनी देर भिगाना है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये मूंग को मैंने पीस लिया है। इस पीसे हुए मूंग में मैं चाट मसाला, जीरा, मिर्ची, नमक और हल्दी मिक्स कर रही हूँ। आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी डिश है, इजी रेसिपी है, तो आप फुल वीडियो वॉच करें। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी डिश है ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। आपने ये सब्ज़ी पहले कभी नहीं बनाई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपकी फैमिली में सभी को पसंद आएगी और बहुत हेल्दी डिश भी है। काफ़ी सारे बच्चे मूंग और मूंग की दाल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम इस तरीके से भी दालों को बच्चों को खिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। ये प्लेट में मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है। अब इसमें हम ये पिसा हुआ मूंग का जो मिश्रण है ये मैं डाल रही हूँ। ये मैंने सारा मिश्रण इसमें डाल दिया है। ये कढ़ाई में पानी लिया है। अब इस पार्ट को हम इसमें रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे स्टीम देंगे। पठोरी जब तक स्टीम में कंप्लीट हो रही है, इस बीच हम प्याज फ्राई कर लेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, 1 बड़े साइज की प्याज ली है। प्याज फ्राई करते वक्त थोड़ा सा नमक ले लेंगे, इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी। आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट्स जरूर करिएगा, मुझे आपके हर कमेंट्स का इंतजार रहता है। प्याज को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसका कलर हमें हल्का सा चेंज करना है। इतनी देर हम इसे फ्राई करेंगे और बहुत गर्म तेल में प्याज को फ्राई करें तो प्याज जल्दी फ्राई होती है। माशाल्लाह इसका कलर बदलना शुरू हो गया है। अब हम इस प्याज को निकाल लेंगे। ये फ्राई की हुई प्याज के बराबर ही हमें टमाटर लेना है और 3-4 हरी मिर्ची। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर लिया है। नमक मिर्ची लेते वक्त हमें ध्यान रखना है कि नमक हमने प्याज फ्राई करते वक्त भी लिया था और पठोरी में भी हमने नमक मिर्ची मिक्स किया है। इस मिर्ची में हम पानी डाल देंगे। जब भी कोई स्पाइसी सब्जी बनाए तो मिर्ची को इस तरीके से गीला कर दे, इसकी सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम पठोरी को देख लेते हैं। पठोरी में किनारे छोड़ दिए हैं और चाकू डाल के देखेंगे, चाकू में ये नहीं चिपकी है, यानी हमारी ये पठोरी कंप्लीट है। इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, ठंडा होने पर ही हमें इसके पीस कट करना है, गरम गरम के नहीं। ये पठोरी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसके पीस कट करेंगे। ये पीस हमने कट कर लिए हैं। ये मैंने सारे पीस निकाल लिए हैं। जिस तेल में प्याज फ्राई की थी उसी तेल में हम इस पठोरी को भी फ्राई कर लेंगे।
बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए भी बहुत अच्छी डिश है ये। फ्राई की हुई पठोरी हम बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हेल्दी और टेस्टी डिश है, आप ज़रूर बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दें। ये पठोरी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। हमें इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारी पठोरी फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी क्योंकि हम स्टीम में तो इसे पका ही चुके हैं। बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा। माशाल्लाह हमने सारी पठोरी अच्छे से फ्राई कर ली है। अब इस तेल में मैं तेजपान ले रही हूँ, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और 8-10 काली मिर्ची ली है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। साबुत मसाले अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम 2 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक डालने के 1/2 मिनट बाद हम ये प्याज टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट जो हमने जो तैयार किया है इसे फ्राई करेंगे। ये भी जल्दी ही फ्राई हो जाएगा क्योंकि प्याज हम पहले से ही फ्राई कर चुके थे। प्याज टमाटर भी माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम मिर्ची मिक्स कर देंगे जो हमने मसाला गीला करके रखा था। एक दो मिनट और लगेंगे हमारा मसाला फ्राई होने में। मसाले की रंगत माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है और तेल भी इसमें अलग हमें दिखने लगा है। तो हमारा ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे। लगभग 1 गिलास पानी में ले रही हूँ। ये पानी में अच्छे से बॉईल हो रहा है पानी। अब इसमें हम ये पठोरी डाल देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे। लगभग 8-10 मिनट बाद मैं देख रही हूँ हमारी ये पठोरी भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई, हमारा सूप भी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम ये फ्लेम को बंद करेंगे, हरा धनिया डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।